हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन इंफ्रा माइंड। गाइज, आप इस चैनल पर डेली जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स पाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइज, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम बहुत ही कमाल की जॉब रिक्रूटमेंट लेकर आए हैं। गाइज, यहाँ पर NTT डेटा कंपनी में जॉब रिक्रूटमेंट आई है, एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के पोस्ट पर जॉब रिक्रूटमेंट आई है। सबसे कमाल की बात यह है गाइज कि आप कोई भी ग्रेजुएट के कैंडिडेट हो, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच हो, किसी भी ईयर में पास आउट हो, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस है, किसी भी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नीड नहीं है। ऑफिशियल NTT डेटा की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, NTT डेटा के ऑफिशियल कैरियर साइट पर ही आपको ये जॉब रिक्रूटमेंट मिलेगी, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जॉब रिक्रूटमेंट नहीं मिलने वाली है। ऑफिशियल NTT डेटा की वेबसाइट है, तो ये जॉब रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। NTT डेटा बहुत ही अच्छी IT कंपनी है, बेस्ट फ्यूचर के लिए ये कंपनी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। चाहे आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, चाहे आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, चाहे आप 2017, 18, 19, 20 किसी भी बैच से पास आउट हो, या फिर आपने BE, BTEC, ME, MTEC, BSc, MSc, BC, MCA कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपने कर रखी हो, तो आपके लिए जॉब बेस्ट होने वाली है। पूरी बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर जॉब के रिकॉर्डिंग, एंड वीडियो के एंड में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करो ताकि आपके पास फर्दर इंटरव्यू के लिए मेल या मैसेज सबसे पहले आए। जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में एंड में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कहीं पर मिस मत करिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए आए हो तो गाइज, इसी तरह के वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वीडियो को बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं NTT डेटा की ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। जैसा कि इस पेज का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर के आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर लीजिएगा। NTT डेटा की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट आइए, ऑन द पोस्ट ऑफ एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर के लिए यहाँ पर जॉब रिक्रूटमेंट आई है। यहाँ पर डेट ऑफ पोस्ट जो है गाइज वो 4 जून 2020 है, यानी कि आज की जो डेट है वो 6 जून 2020 है, यानी कि अभी हाल ही में जॉब रिक्रूटमेंट आई है, तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है। लोकेशन जो है गाइज, अगर आप इस जॉब रिक्रूटमेंट को क्रैक करते हो तो आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर कर्नाटक इंडिया होने वाला है। कंपनी जो है गाइज NTT डेटा सर्विसेस है। यहाँ पर जॉब रिक्रूटमेंट ID भी दे दी गई है 9 4 times 4। तो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जिसे आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक थ्रू चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ों को आप इजीली पढ़ सकते हो। इस जॉब रिक्रूटमेंट के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ को मेंशन किया गया है। आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए गाइज आपको देखेंगे अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टार्ट अप्लाई विद जिंक, स्टार्ट अप्लाई विद सिक एंड अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा। तो अगर आपके पास सिक या फिर जिंक पर ID नहीं है तो आप सीधे अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा, जहाँ पर आप ऑफिशियली NTT डेटा की तरफ से ही अप्लाई करोगे, सीधे इनके पास, इनके HR टीम के पास ही आपका मेल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ईमेल ID या पासवर्ड है NTT डेटा के कैरियर साइट पर, तो आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ईमेल ID या पासवर्ड नहीं है तो आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को पहले क्रिएट करिएगा, उसके बाद आपको वापस उसी पेज पर जाना है कैरियर साइट पर, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से उस लिंक पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। वन मोर थिंग गाइज, आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है तो हमें वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। एंड गाइज, हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप अप्लाई करो कि आपके पास इंटरव्यू के लिए फर्दर मेल या मैसेज सबसे पहले आए। तो आपको पहले अपने रिज्यूमे को अपडेट करना है इस पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके बेस पे अपने रिज्यूमे को पहले क्रिएट करना है। रिज्यूमे को बिल्कुल अपडेट रखना है, अपडेटेड रिज्यूमे अगर आप रखेंगे तो ही आपके पास मेल आएगा। अगर पुराने किसी रिज्यूमे को आप लोड करते हो तो आपके पास फर्दर इंटरव्यू के लिए मेल या मैसेज नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आपके अपने रिज्यूमे को अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई कर लेना है। आई होप गाइस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसे तरह जॉब अपडेट्स डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।